हुआ मध्यम, 5 गुना तक घटी रोशनी, ये क्या किसी बड़े खतरे की निशानी या फिर किसी तूफान से पहले की शांति? क्या आने वाली है महाप्रलय? क्या हो जाएगा मानव सभ्यता का अंत? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला अपना सूरज कम चमक रहा है, उसकी रोशनी भी कमी आई है। सूरज आकाश गंगा में मौजूद उसके जैसे अन्य तारों की तुलना में कमजोर पड़ गया है, थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। अब वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। सूरज धरती का एक लौता ऊर्जा स्रोत है, लेकिन पिछले 9000 सालों से लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसकी चमक कम हो रही है। ये दावा किया है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन करके ये खुलासा किया। वैज्ञानिकों ने बताया, हमारे आकाश गंगा में मौजूद सूरज जैसे अन्य तारों की तुलना में अपने सूरज की धमक और चमक फीकी पड़ रही है। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि कहीं ये किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं। सूरज और उसके जैसे अन्य तारों का अध्ययन उनकी उम्र, चमक और रोटेशन के आधार पर किया गया है। पिछले 9000 सालों में इसकी चमक में 5 गुना कमी आई है। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि अगर सूरज की रोशनी में कमी आई है, वहाँ आग के विस्फोट नहीं हो रहे, सोलर स्पॉट नहीं बन रहे, इसका मतलब ये है कि जरूर सूरज बाकी तारों की तुलना में कमजोर हुआ है, उसकी चमक धीमी पड़ी है। और अब ये भी डर बन गया है कि ये किसी बड़े खतरे की निशानी तो नहीं जिससे मानव सभ्यता का अंत हो जाए। वैज्ञानिक अब इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए हैं। आपका इसके बारे में क्या है कहना, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।